सलीम जावेद की जोड़ी वो जोड़ी है जिसने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इन फिल्मों की लिस्ट में शोले, जंजीर, दीवार, मिस्टर इंडिया और कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इन दोनों ने मिलकर कई कहानियों में ऐसी जान डाली है कि इन कहानियों के दम पर हिंदी सिनेमा का इतिहास गुलजार हो गया है। कहते ये भी हैं कि इस लेखक जोड़ी को हिंदी सिनेमा की पहली और आखिरी स्टार जोड़ी भी कहा जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इन सब के बावजूद इन दोनों को एक अपनी स्टोरी यानी कि कहानी बेचने के लिए बड़ी कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जहाँ भी वो लोग जाते थे, जिस भी प्रोड्यूसर के पास जाते थे कहानी को बेचने के लिए, वो प्रोड्यूसर उस फिल्म को फ्लॉप कहकर रिजेक्ट कर देता था। फिर 70 से 80 के दशक में इनकी ज़िंदगी में एक फरिश्ते ने कदम रखा। नाम था वहीदा रहमान। उनकी एक सिफारिश पर न सिर्फ फिल्म बनी बल्कि इस फिल्म के गानों के साथ साथ एक एक डायलॉग लोगों के दिल पर छा गया। उस समय की स्टार और खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार होने वाली वहीदा रहमान के कानों तक जब ये बात पहुंची, तो इस फिल्म के लिए उन्होंने नरीमन ईरानी से बात की और नरीमन ईरानी ने उनकी कहानी सुनने के बाद इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी फिल्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो चलिए आपको एक क्लू दे देता हूं कि इस फिल्म का ये जो डायलॉग है बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ करता था उस टाइम, और आज भी कई लोग इसे दोहराते हैं। डायलॉग ये है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जाहिर है अब कुछ और बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। ये फिल्म साल 1978 में रिलीज हुई थी, जो सलीम और जावेद के लिए ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के करियर के लिए भी एक बेस्ट फिल्म साबित हुई। डॉन फिल्म को कोई फाइनेंसर क्यों नहीं मिल रहा था, सवाल ये उठता है। अब इसके पीछे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सलीम जावेद ने फिल्म की कहानी तो लिख ली थी लेकिन फिल्म का टाइटल डिसाइड नहीं किया था। हालांकि कहानी पूरी थी और इसे लेकर सलीम जावेद ने कई एक्टर्स के पास भी गए थे, जैसे कि देवानंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र के घरों के काफ़ी चक्कर लगाए थे, लेकिन उस समय उन तीनों ने ही इस स्क्रिप्ट पर काम करने और फिल्म बनाने से मना कर दिया था। उस वक्त ये दोनों ही नहीं स्ट्रगल कर रहे थे बल्कि एक प्रोड्यूसर भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, नाम नरीमन ईरानी। उस वक्त पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद नरीमन ईरानी के 12 लाख का उन पर कर्जा भी था। उस समय नरीमन ईरानी को अमिताभ बच्चन, जिनत अमान और चंद्र बरोट ने एक और फिल्म बनाने की सलाह दी। इन तीनों से नरीमन की मुलाकात फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की मेकिंग के दौरान हुई थी। नरीमन उस फिल्म के कैमरामैन थे और चंद्र बरोट डायरेक्टर और मनोज कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अमिताभ के साथ साथ सभी ने उन्हें भरोसा दिया कि वो फिल्म के लिए कोई फीस नहीं लेंगे, अगर फिल्म हिट हुई तो अपनी फीस लेंगे वरना नहीं लेंगे। अपने दोस्तों की उस सलाह पर नरीमन फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। फिल्म के डायरेक्शन के लिए जिम्मेदारी पहले की तरह चंद्र बरोट को दे दी और फिल्म के मुख्य किरदार यानी कि मेन करेक्टर अमिताभ बच्चन, जिनत अमान ने हाँ कर दिया। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके पास कोई कहानी नहीं थी। तब अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त नरीमन ईरानी को सजेशन दिया कि वो फिल्म कहानी के लिए सलीम जावेद से मिले। नरीमन ने अमिताभ बच्चन का सजेशन माना, लेकिन सलीम जावेद के पास जब वो पहुँचे तो उन्हें एक महंगी कहानी उन दोनों ने सुना दी। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा ईरानी वहीदा रहमान की हेयर ड्रेसर थी। उन्होंने वहीदा रहमान के ज़रिए सलीम जावेद के पास अपने पति नरीमन ईरानी की सिफारिश भेजी। ऐसे में सलीम जावेद की जोड़ी ने उनसे कहा कि हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तुम ये कहानी ले लो, अगर फिल्म हिट रही तो पैसे दे देना और फिल्म फ्लॉप हुई तो कोई पैसा नहीं देना। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि फिल्म डॉन की कहानी थी। डॉन की कहानी में नरीमन ने खुद भी थोड़े बदलाव किए थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई लेकिन बदकिस्मती ऐसी देखिए कि जिस प्रोड्यूसर की मदद के लिए फिल्म बनाई जा रही थी
यानी कि नरीमन ईरानी की, वो फिल्म के पूरे होने से पहले ही दुनिया से चल बसे। एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन तंगी की हालत में भी चंद्रा बरोट ने फिल्म को नहीं रोका और 3.5 साल बाद पूरा करने के बाद कोई बिना मार्केटिंग किए उस फिल्म को रिलीज कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो पहले हफ्ते फिल्म का रिस्पॉन्स बिल्कुल ठंडा रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते से इस फिल्म को लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया और ये फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। ये उस साल की तीसरी सबसे हिट फिल्म भी बन गई। इस फिल्म ने 7 करोड़ 20 लाख की कमाई की थी। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला और अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपना अवार्ड प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा को दे दिया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहे TVN भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।